गाइस आपने देखा होगा कि हम एनालिसिस क्या करते हैं टेलीग्राम पे हर जगह पर। मैं आपको एक ही चीज शेयर करता हूँ कि मार्केट एनालिसिस कैसे करते हैं, वर्कआउट कैसे करता है, मैंने ये चीजें सीखी है। आज का मार्केट का एनालिसिस अगर आपने देखा होगा तो मैंने डिटेल्स में बताया था, कि मार्केट का पूरा कैंडल्स का बिहेवियर बताया था, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा क्या करेगा पूरी तरीके से डिटेल्स में बताया था। अब जाकर आप चार्ट पे देखते हैं कि किस तरीके से बनेगा। देखो जब तक आप मार्केट को इस तरीके से देखोगे नहीं मेरी आंखों से आपको मार्केट समझ नहीं आएगा। तो अभी सीधे चार्ट पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं ताकि आपको और ज्यादा पता चलेगा। ठीक है, हेलो एवरीवन, हाय गुड आफ्टरनून सर। आपको सबको पता होगा कि मैंने कल आपको एनालिसिस क्या दिया। एक बार जरा सा अगर आपको सच में याद नहीं आ रहा है तो कल का एनालिसिस एक बार ओपन करके देख लेना। मैंने आपको क्लियरली मेंशन कर दिया था कल के एनालिसिस में या फिर टेलीग्राम पे मॉर्निंग में मैसेज डाल के रखा था। अगर आपको सच में याद नहीं आ रहा है तो टेलीग्राम का एक बार ओपन करके देख लेना। आज मैंने मॉर्निंग में आपको क्लियरली व्यू दिया था, क्लियर मेंशन किया था, अगर बैंक निफ्टी कहीं पर भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव भी ओपन हो जाता है उसके बाद बैंक निफ्टी यहाँ से अपसाइड भी चला जाता है तो भी ये फेल होकर नीचे आएगा और इसी रेंज के अंदर को मेंटेन करने की कोशिश करेगा और मार्केट यही रेंज रह सकता है। मैं आज आपको बाहर से वीडियो शूट करके दे रहा हूँ तो कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ सकते हैं। मैं पुणे में आप सबको यहाँ पर ये JW मैरट पर होटल में ही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए मैं यहाँ पर आया था, एक इंपॉर्टेंट मुझे मीटिंग करना था उसकी वजह से। लेकिन एनालिसिस देखो मैंने क्लियरली मेंशन किया था आपको कि आज के दिन पे आपका पैसा नहीं बनेगा, आपका लॉस हो सकता है, आपको खुद को बचा के रखना है। एनालिसिस मैं इस तरीके से देता हूँ, आप एवरीडे मुझे देखते हो, मैं एनालिसिस जब भी देता हूँ तो उसके पीछे बहुत सारी लॉजिक, उसके पीछे बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग और उसके बाद मार्केट की नॉलेज आपको प्रोवाइड करता हूँ। मैं कोई भी जब भी कोई एनालिसिस देता हूँ तो बहुत से लॉजिक देखकर, बहुत से मार्केट का कंडीशन देखकर जो होने वाला है मार्केट का परफेक्शन के साथ बता देता हूँ। बाकी लोगों जैसे कभी बाय करो कभी सेल करो इस तरीके से नहीं बोलता। मैंने आपको जो लाइन टू लाइन डॉट टू डॉट जो एनालिसिस दिया हुआ है उसी तरीके से मार्केट बिहेवियर किया है। मार्केट यहाँ से अपसाइड चला गया फिर फेल होकर नीचे आ गया और यही रेंज के अंदर मेंटेन हो गया। देखो अंडरस्टैंडिंग मार्केट की किस लेवल की होनी चाहिए ये यहाँ से आपको प्रूव हो जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि मार्केट को किस तरीके से समझ रहे हो और किस तरीके से आपको समझना चाहिए। ज्यादातर ट्रेडर इसीलिए लॉस कर जाते हैं क्योंकि वो मार्केट को समझते नहीं है कि उनको ट्रेड कहाँ करना है और एक्चुअली कौन से डायरेक्शन में जाना है। अगर आप ये गलती आज भी कर रहे हो, कल भी कर रहे हो, परसों भी कर रहे हो तो आपका नुकसान ही होने वाला है। टेक केयर ऑफ द पोजीशन कि आप किस तरीके से मार्केट को देख रहे हो। अगर आपका मार्केट का देखने का नजरिया और मार्केट को देखने का डायरेक्शन अगर आपका सही है तो आप मार्केट से आज और कल पैसे बनाने ही वाले हो। क्योंकि जिस तरीके से मेरी नॉलेज आपको सामने दिख रही है, क्या आप नहीं चाहते मेरी जैसी नॉलेज करना, आप नहीं चाहते मेरे जैसे एनालिसिस करना, क्या ये अकेले मुझे ही आएगी? नहीं गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप भी कर सकते हो और आपका भी यही सेम कंडीशन से पैसा बन जाएगा और आप भी कर सकते हो। दूसरी बात, मैंने सबसे इंपॉर्टेंट एक स्टॉक दिया था आप सबको जो कि मैंने आपको गो डिजिट एक स्टॉक दिया था। अगर आप गो डिजिट का स्टॉक के बारे में देखते हो, मैंने गो डिजिट के स्टॉक में आपको क्या समझा के रखा था अगर आपको पता है नहीं है मैं दिखा देता हूँ। गो डिजिट, गो डिजिट का चार्ट एक बार निकाल लीजिए। गो डिजिट, आप गो डिजिट का चार्ट ओपन करके देखते हो, मैंने क्या बताया था आपको कि ये बहुत लंबा जाएगा। गाइस यहाँ पर आप मेंशन करके मजा आएगा, बस इसको होल्ड करके रखना है। आप देखो गो डिजिट के बारे में मैंने क्या बताया था, यहाँ पर चलिए गो डिजिट का चार्ट बताया था और लिखा था डोंट इग्नोर दिस स्टॉक, बहुत लंबा जाएगा। और डोंट गो डिजिट ये कब बताया था आपको, 5 जून को बताया था। आज की डेट क्या है आप खुद देख लेना, आज कल ही आपको बता के रखा है। उसके बाद नीचे जाओगे तो आज के दिन पे इसका जो मोमेंटम देखोगे जैसे मैंने आपको मेंशन किया हुआ है उसी तरीके से मार्केट में बिहेवियर आता है और उसी तरीके से रिटर्न आता है। मतलब अगर हम एक बार में चार्ट को नॉलेज लेते हैं या फिर मार्केट की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं तो 11% का रिटर्न विद इन अ डे। एक्चुअली मेरा जो बाइंग था, मैंने जब आपको बताया था उस समय गो डिजिट ये लेवल के आसपास खड़ा था तो ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न हमें मिल चुका है। तो मैं जो भी एनालिसिस आपको देता हूँ, जो भी चीज आपको बताने की कोशिश करता हूँ उसका रिजल्ट हमेशा ऑसम ही आता है, उसमें कभी भी कोई दोहराए नहीं है। अगर आप सच में मेरी जैसे एनालिसिस करना चाहते हो, अगर आप मेरी जैसे मार्केट को अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहते हो तो मैं आपके लिए खड़ा हूँ, मैं आपको सब कुछ चीजें सिखाने के लिए रेडी हूँ। बस आपको मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मैं जिस तरीके से सिखाने वाला उस तरीके से आपको उसको वर्कआउट करना पड़ेगा। अब आप देखो इतनी बड़ी कैंडल बनी है और भी ऊपर जाएगा। मेरा टारगेट, मैंने कल रात को ही सेशन लिया था स्टूडेंट के साथ, उनको भी बता के रखा था कि देखो ये इस तरीके से मोमेंटम बनेगा और बहुत बड़ा पैसा बन सकता है और यहाँ से फट गया मार्केट और जबरदस्त मोमेंटम बन गया। सेम बैंक निफ्टी में मैंने आज क्लियरली मेंशन किया था कि आज पैसा नहीं बनेगा। अगर आप देखो मैं डेली चार्ट एक बार आपको ओपन करके दिखाऊं, आप क्लियरली देख पाओगे। तो डेली चार्ट पे देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लियरली सेम सिंगल कैंडल बनी है। मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया था टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम के हर जगह पर बता के रखा था कि मार्केट में यही होने वाला है। आप गलत जगह पर जाकर ट्रेड मत करो, आप नुकसान करोगे, आपको वेट करना चाहिए।
किसी तरीके से एनालिसिस आपको करनी है गाइस, तभी जाकर आपका पैसा बनने वाला है। तो चलो एक बार देखते हैं कि कल हम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, कल कैसे कर सकते। कल कहीं ना कहीं हमारा जो होने वाला है वो होने वाला है फ्राइडे, कल है, कल के दिन पे फ्राइडे, आप सबको पता है कल के दिन पे, आज थर्सडे है तो कल फ्राइडे होने वाला है। मैं आपको कल भी एक बोल रहा हूँ कि कल के दिन पे भी गाइस आप ट्रेड मत कीजिए। मैं आपको और एक बार सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज के अंदर ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन हो जाता है, तो फिर से बैंक निफ्टी इसी रेंज के अंदर खुद को होल्ड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से ज्यादा बाहर जाएगा ये मैं नहीं चाहता। मुझे नहीं लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, मेरी एनालिसिस नॉर्मली गलत नहीं जाती है, ये बात याद रखना। देखो मैं गलत नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या मैं भगवान नहीं बन जाऊंगा, मेरी एनालिसिस में मेरी पकड़ है, जैसे आई एम फोकसिंग माय एनालिसिस, मुझे पता है मेरी एनालिसिस क्या बोलती है। बाकी मुझे कुछ नहीं आता स्टॉक मार्केट का, ना मुझे इंडिकेटर्स आते और ना बाकी कुछ आता है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में मैं परफेक्शन जितना हूँ ये आप सामने देख रहे हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो कल के दिन पे अगर मार्केट इस फ्लैट रेंज में ओपन हो जाता है और पहली 15 मिनट अगर रुको मार्केट इसी रेंज के अंदर होल्ड कर जाता है, तो समझ लेना कि पूरा दिन मार्केट वैसा ही मोमेंटम कर सकता है। मैं कल के दिन पे भी मार्केट को ज्यादा एग्रेसिव ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट कुछ ऐसा कुछ बिहेवियर कर सकता है। मार्केट कल का भी दिन मेरे लिए मार्केट थोड़ा सा साइडवेज प्ले कर सकता है। मैं पुणे में आप सबको मिलना भी चाहता था, जो भी लोग पुणे से हैं, लेकिन आज मेरा एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैं उसी में हूँ आज पूरा दिन, और शाम तक रात तक मेरा मीटिंग होने वाला है, मैं यहीं पर बिजी रहने वाला हूँ। नहीं तो मैं पुणे में बहुत सारे लोगों को मिलने के लिए प्लान बना रहा था, मैं आज यहीं पर हूँ, मैं आज के दिन पर यहीं पर रहने वाला हूँ। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं जरूर टेलीग्राम पर बता दूंगा, फिर आप मिलने की कोशिश भी कर सकते हैं। ओके, देखो यहाँ से मार्केट अगर ओपन हो जाता है तो मार्केट फिर से इसी रेंज के अंदर खुद को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर देखो मैं एग्रेसिवली अभी मार्केट को बाई या सेल में तभी करने की कोशिश कर सकता हूँ जब मार्केट मेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स के साथ साथ चले, और मार्केट में जिस तरीके से बिहेव करा उसी तरीके से चले, तभी जाकर मैं मार्केट को प्लान क्रिएट करूंगा, अदरवाइज नहीं। ऑलमोस्ट 49,600, मैं देखो मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ लेकिन सुन लेना बराबर, 49,600 इसके ऊपर मार्केट, ये लेवल के ऊपर मार्केट जब तक नहीं निकल जाता, मैं यहाँ पर ज्यादा लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे पास माउस नहीं है और मैं कीबोर्ड से यूज कर रहा हूँ, 49,600 इस लेवल के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी प्रॉपर तरीके से सस्टेन नहीं करता, आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा सा होल्ड कर लेना चाहिए। आप ज्यादा एग्रेसिवली ट्रेड करके नुकसान करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं होने वाली, अदरवाइज 48,600 के नीचे, 48,600। आप बोलोगे सर इतनी बड़ी आप रेंज बता रहे हो, ये तो बहुत दूर है, मैं क्या कर सकता हूँ, जो मार्केट बना रहा है मैं वही तो बता सकता हूँ, मेरे मन से तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं मार्केट बना रहा है तभी तो मैं बता रहा हूँ, तो क्या कर सकता हूँ इससे ज्यादा। ऑलमोस्ट 49,000 के नीचे प्रॉपर मार्केट सस्टेन नहीं करता, तब तक आपको कोई भी सेलिंग साइड में ट्रेड नहीं लेना है। मैं तो आपको बोलूंगा कि सेल करो भी मत और ना भी बाय करो, मार्केट को एक बार यहाँ से जाने दो अच्छे तरीके से, या फिर मार्केट को यहाँ से गिरने दो अच्छे तरीके से, एक बार कोई ना कोई डायरेक्शन क्लियरिटी आएगा मार्केट में, तभी जाकर हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट दोनों भी सिचुएशन में अभी मुझे सही नहीं लग रहा है। कुछ एक मेंबर ने कल मुझे कमेंट किया था कि दोनों साइड का व्यू तो कोई भी बता सकता है, भाई मेरे अगर तुम्हें पता नहीं मेरे बारे में तो एक बार पूरी तरीके से मेरे बारे में रिसर्च कर लो, जाकर पिछले वीडियोज को देख लो, मैं दोनों साइड का व्यू कभी नहीं देखा। मार्केट जहां पर क्लोज हो रहा है, मार्केट जिस तरीके से सिचुएशन बना रहा है वो देखकर ही मैं डिसीजन देता हूँ, कभी भी जाकर मैं एक डायरेक्शन में सिचुएशन में दोनों डायरेक्शन का व्यू नहीं देता कभी भी जाकर, क्योंकि क्लियर है मुझे पता है मैं एनालिसिस जो दे रहा हूँ वो परफेक्ट ही दे रहा हूँ, उसमें तरीके से कोई भी वहां पर गलत चीजें हो नहीं सकती। तो टेक केयर ऑफ दैट, बोलने से पहले 10 बार सोचा करो, क्योंकि गलत बोलने वाले बहुत कम है और प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो गाइस प्यार करते रहना, मैं मेरी पूरी एनालिसिस पूरा परफेक्शन में आपको बताता रहूंगा जिस तरीके से। चलो एक बार निफ्टी को देख लेते हैं। देखो निफ्टी में भी सेम सिचुएशन हुआ है, कुछ निफ्टी में भी कुछ भी अलग यहाँ पर नहीं हुआ है, सेम उसी तरीके से कैंडल बिहेवियर की तरफ चल रहा है, लेकिन मेरा अभी जो एनालिसिस चल रहा है और एक दो तीन मार्केट इसी रेंज के अंदर रहने के बाद ही मैं कुछ बड़ा प्लान क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मार्केट जहां पर खड़ा है, जिस जगह पर निफ्टी खड़ा है या कर रहा है, यहाँ से निफ्टी को अपसाइड पे जाने के लिए इसको रेंज को और एक दो दिन और एक आध दूसरा दिन अगर यहाँ पर मार्केट रुक जाता है, या फिर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाकर यहाँ पर भी होल्ड करे तो भी चलेगा, अगर नीचे आकर यहाँ पर भी होल्ड करे तो भी चलेगा, तभी मेरा कुछ प्लान बनने वाला है। एज अ ट्रेडर मैं जो चीजें बता रहा हूँ, अगर कुछ लोग बोलेंगे सर आज तो ट्रेड नहीं किया तो कल भी नहीं करेंगे, कि भाई देखो मार्केट में हर दिन ट्रेड करना कोई कंपलसरी नहीं है, मार्केट का सिचुएशन समझना ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप ये सिचुएशन नहीं समझ नहीं पा रहे हो तो आप ट्रेड करके कोई फायदा ही नहीं है, ट्रेडर बनो गैम्बलर मत बनो कि कहीं पर भी जाकर घुसने वाले हो। एक ट्रेडर पहले प्लान बनाता है, डिसीजन लेता है कि इसके बीच में ट्रेड करना सही होगा या फिर गलत होगा, तभी वर्कआउट करता है। आप समझ गए होंगे, उसी हिसाब से आप मार्केट को चलने की कोशिश करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन, टेक केयर।